नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट दोस्त फ्रॉम ई कॉम टेक का तड़का। दोस्तों, आज के ज़माने में लगभग हर एक बच्चा, हर एक बड़ा इंसान, एडल्ट इंसान ऑनलाइन शॉपिंग डेफिनेटली करते हैं। ठीक है, जिनको भी मोबाइल की नॉलेज है थोड़ी बहुत, ऑनलाइन शॉपिंग डेफिनेटली करते होंगे। और उनमें से बहुत सारे लोगों को शायद ये पता नहीं चलता होगा टिल द टाइम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, और मे बी कभी भी रियलाइज़ नहीं होता होगा कि वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़े से आपको टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपको आइडिया लग सकता है कोई भी प्रोडक्ट अगर आपके पास डिलीवर हो रहा है वो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। ठीक है, और उसको देखिए कैसे हैंडल करना है वो अलग चीज़ है, जहाँ से भी खरीदा है आपको उनके साथ हैंडल करना होगा, बट उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको आज थोड़ा सा बता देता हूँ। क्योंकि ऐसे हज़ारों नहीं लाखों वेबसाइट्स होंगी इंडिया में जो ऐसे प्रोडक्ट्स, मतलब उनके वेबसाइट में डाल के या फिर अमेज़ॉन में या फ्लिपकार्ट में ओरिजिनल दिखा के फेक प्रोडक्ट्स भी भेजते हैं। मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को भी पता चले अगर आप 2,000-5,000 रुपये कहीं पर भी डाल रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट में, और ऐसा ना हो कि आपको जो प्रोडक्ट मिला वो 200 या 300 रुपये का, तो वो अगर आपको पता चला बाद में मतलब जब उस टाइम के बाद जब आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते तो शायद आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, तो पहले ही पता चल जाए वो बेटर है। तो ये वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको 10 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि वो फेक है या जेन्युइन है। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे बॉक्स पैकिंग। कोई भी ब्रांडेड चीज़ अगर आपके पास आती है उसकी बॉक्स पैकिंग को देख के आप ऑलमोस्ट समझ जाएंगे कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। ठीक है, बॉक्स पैकिंग में कोई भी लूप होल्स आपको देखने नहीं मिलेंगे, कोई भी लैप्सेस आपको देखने नहीं मिलेंगे, और हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियरली विजिबल होगी आपको। और जो कॉपी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें पैकिंग होती है उसमें बहुत सारी डिटेल्स ऐसे आप गौर से देखेंगे आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है, थोड़ा ग्रे कलर यहाँ वहाँ मिसिंग होगा, प्लस उसकी जो पैकिंग की क्वालिटी होती है, पैकिंग की क्वालिटी वो भी बहुत पुअर होती है। अगर आप ब्रांडेड चीज़ मंगवा रहे हैं 2,000-5,000 की चीज़ और उसमें पैकिंग आप देख रहे हैं कि एकदम रद्दी पैकिंग है, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका जो फेक प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, तो उस पर आपको आगे के स्टेजेस जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेज है दोस्तों यहाँ पे सीरियल नंबर्स। ठीक है, हर एक ब्रांडेड प्रोडक्ट का सीरियल नंबर होता है, बहुत सारे ऐसे कोड्स आपको देखने मिलेंगे, बार कोड्स जो प्रोडक्ट पे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा होते हैं, अपैरेल्स पे जो है वो शायद आपको एक ही देखने मिलेगा। तो ऐसे जो सीरियल नंबर्स एंड बारकोड्स हैं वो पैकिंग में प्रोडक्ट के ऊपर नहीं, पैकिंग में वो मिसिंग होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं, अगर सीरियल नंबर वहाँ पे नहीं है तो वो चीज़ जो है मे बी वो गलत है। अगर सीरियल नंबर आपको दिख रहा है और वो सीरियल नंबर अगर आप गूगल में टाइप करते हैं, कहीं पर भी टाइप करते हैं गूगल में या फिर जहाँ से आपने ख़रीदा है, तो वो प्रोडक्ट जो है वहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर सीरियल नंबर सही है तो, गलत है तो नहीं आएगा। तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं, इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों यहाँ पे लोगो। ठीक है, अब ओरिजिनल प्रोडक्ट जो होता है उसमें लोगो आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे कोई भी फेडिंग आपको देखने नहीं मिलेगी, कोई भी एजिंग का इश्यू नहीं देखने मिलेगा, क्लियर कट एकदम शार्प आपको लोगो देखने मिलेगा। अगर डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स का आप लोगो देखने जाएंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे स्क्रैच हो जाएगा उसमें। ठीक है, कहीं कहीं पे आप देखिएगा कि उसके आसपास थ्रेडिंग का भी इशू है अगर अपैरेल्स है तो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है तो आप देखिएगा वो चिपकाया हुआ नहीं है ठीक से लोगो, थोड़ा सा आप निकालने की कोशिश करेंगे वो निकल जाएगा, ब्रांडेड में वो चीज़ें जो है वो नहीं निकलती हैं। ठीक है, और जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स हैं मतलब थोड़ा सा रफ यूज़ होगा वो फेड होने लगता है, उसका लोगो जो है वो फेड होने लगता है, घिसने से वो ख़राब होने लगता है, बट ओरिजिनल में वो सालों साल चलता है। तो ये एक चीज़ जो है ध्यान में आप रख सकते हैं। चौथा है दोस्तों यहाँ पे स्टिचिंग एंड लूज थ्रेड्स। अगर मैं कपड़ों की, जूतों की, और लेट्स से वॉलेट्स हैं, बेल्ट्स हैं, उसकी बात करूँ, वो भी काफ़ी सारा ऑनलाइन जो बिकता है वो फेक बिकता है। तो अगर ऐसी चीज़ें मंगवा रहे हैं तो यहाँ पे आप लेट्स से शूज़ हैं तो शूज़ में भी आपको कहीं कहीं पे देखने मिलेगा थ्रेड्स कहीं पे लटक रहे हैं, मतलब कहीं पे थ्रेडिंग दिख रहा है। ठीक है, स्टिचिंग प्रॉपर नहीं है, गम से चिपकाया हुआ है तो गम दिख रहा है बाहर। ठीक है, लोगो जो है लोगो के ऊपर क्लैरिटी नहीं है, डॉट 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 दिख रहे हैं बहुत सारे, दैट मीन्स आप जो है आपको जो है प्रोडक्ट्स वो फेक मिला है। ठीक है, सेम वे कपड़ों में भी, जीन्स में भी, हर एक चीज़ में लोगोज और स्टिचिंग और ये सारी चीज़ें अगर आपको फेड दिखती हैं, लूज थ्रेड्स दिखते हैं कहीं पर, दैट मीन्स कि ये प्रोडक्ट 100% ओके नहीं है, जो वैल्यू आपने पे की है इट्स नॉट वर्थ दैट वैल्यू। पांचवा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे वेट। ठीक है, वेट पे ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते। अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ ये वाला। ठीक है, अब JBL का ये स्पीकर है विच इज़ ओरिजिनल। अब जब डुप्लीकेट आप स्पीकर लेंगे तब ओरिजिनल और डुप्लीकेट का जो
वज़न होता है वो वज़न भी बहुत फ़र्क करता है। तो अगर आप लेट्स से कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं कोई भी साइट से, वहाँ पे देखिए कि वेट कितना मेंशन किया हुआ है, ठीक है, वो लिस्टिंग में जनरली मेंशन किया हुआ रहता है। अगर नहीं मालूम है तो वो जो सेलर है उनसे आप पूछ लीजिए कि इसका वेट कितना है, प्रोडक्ट का वेट, ठीक है, ओरिजिनल है तो वेट उसका एग्जैक्टली पता होगा, उस पर भी लिखा हुआ रहता है। जब प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर होता है तब आपको उसका एक्चुअल वेट कितना है वो आप वहाँ पे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंस है कहीं पर भी दैट मींस आप समझ गए, ठीक है। अब वेट, अब वज़न कैसे करेंगे, अब 150-200 रुपए के वेइंग स्केल्स आते हैं छोटे छोटे जो आप अपने घर में एक रख सकते हैं, जिसपे आप हर एक चीज़ 10 किलो तक वेट कर सकते हैं। तो ऐसा एक चीज़ आपके पास होना चाहिए। अगर आप 200-250 रुपए के बारे में सोच रहे हैं तो सामने आप 2000-3000 रुपए भी खो बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वेट वो शूज़ हो या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो कोई भी हो, वो वेट जो है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि ओरिजिनल कंपोनेंट्स जो भी होते हैं, ओरिजिनल चीज़ें जो भी होती है वो उसका बिल्ट इन क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, तो उसके लिए वेट उसका नॉर्मली ज़्यादा होता है। और जो कॉपी वाले होते हैं उसमें तो आपको पता है हर एक चीज़ में कटौती। छठा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। अब ओरिजिनल आपने शूज़ खरीदे उसको आप खींचेंगे वो नहीं कुछ होगा, डुप्लीकेट आप खींचेंगे तुरंत आवाज़ आने लगेगा बचाओ बचाओ, ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा। सेम वे कोई भी चीज़ डुप्लीकेट ओरिजिनल वो ड्यूरेबिलिटी से तो सबको पता चल ही जाता है, बट कुछ लोगों को टाइम लगता है, मे बी 2-3 महीने के बाद रियलाइज़ होता है अरे तो फेक प्रोडक्ट हमको भेज दिया। कुछ लोग जो आज के ज़माने में काफ़ी इंटेलिजेंट लोग होते हैं जिनको देखते ही पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, थोड़ी सी छेड़खानी यहाँ वहाँ करते हैं पता चल जाता है कि ये फेक है या ओरिजिनल है। वो हर एक चीज़ में एप्लीकेबल है, ठीक है। जैसे कि ये जो स्पीकर है ये ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, कौन से है मुझे नहीं मालूम, मतलब इस तरह के लोगों वाले बहुत सारे स्पीकर्स ब्रांडेड क्वालिटी के और ब्रांड्स के नाम यूज़ करके भी बेचते हैं, ठीक है। अब ये ओरिजिनल नहीं है, इसका वज़न है ही नहीं, मतलब आई कांट इवन फील द वेट। अब ओरिजिनल अगर आप इस खरीदेंगे तो इसका वज़न बड़ा हेवी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर फंक्शनिंग। अब ये क्या चीज़ है प्रॉपर फंक्शनिंग, अब अगर कोई आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ले रहे हैं या फिर कोई भी गैजेट ले रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, मतलब थोड़ा सा इश्यू दे रहा है यहाँ वहाँ, दैट मीन्स को जो है वो बेवकूफ़ बनाया गया है, हमको बेवकूफ़ बनाया गया है, क्योंकि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड होते हैं, क्वालिटी टेस्टिंग उसकी होती है, उसके बाद वो प्रोडक्ट भेजते हैं। 1 in lakhs मैं भी कह सकता हूँ, लाखों में एक प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है जो प्रॉपरली काम ना करे, बाकी मोस्टली सारे प्रोडक्ट्स जो है वो काम करते हैं प्रॉपरली। तो अगर फंक्शनैलिटी में कोई इश्यू आ रहा है यहाँ पे तो दैट मीन्स देर इज़ अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट थिंग इज कनेक्टिविटी, ठीक है। अब फंक्शनिंग और कनेक्टिविटी दोनों अलग चीज़ है। फंक्शनिंग क्या होता है, जैसे कि ये एयरफोन है, ठीक है, अब ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, ओके, प्रॉपरली फंक्शनिंग। अगर ये नहीं हो रहा है ऐसे तो दैट मीन्स कि इसमें कुछ गड़बड़ है, ओके, कुछ गड़बड़ है। और फंक्शनैलिटी जो उसका, सॉरी, कनेक्टिविटी जो मैं बोल रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में होता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में होता है, जैसे कि आपने कोई लेट्स से ब्लूटूथ डिवाइस खरीदा, अब उसको कनेक्टिविटी में इशू आ रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर भी कुछ गड़बड़ है। उसके बाद 9th पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये है कि इंडिविजुअल वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, उसके बारे में पहले से आप रिसर्च कर लें, या जब भी आपको प्रोडक्ट मिलता है तब उसके बारे में भी आप रिसर्च कर लें कि वो वेबसाइट कैसी है। अब उसमें आप रिसर्च क्या करेंगे, पहले तो आपको देखना है एलेक्सा रैंकिंग, ठीक है, कोई भी वेबसाइट आप चेक करें, एलेक्सा रैंकिंग पहले आपको चेक करना है। एलेक्सा रैंकिंग के साथ साथ आप ये भी चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट कब बनी थी, कब बनी थी, मतलब जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आजकल बहुत चलता है ऑनलाइन, आप यूट्यूब पे नहीं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे आप देखते होंगे बहुत सारे एड्स आते हैं, क्लिक करते हैं, कुछ खरीदते हैं, फिर आपके पास आता नहीं है, आता है तो आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिलता है, कंप्लेन करने के लिए कॉल करते हैं तो कोई कॉल नहीं उठाता है, ऐसी चीज़ें होती होंगी आपके साथ भी। तो ये रीज़न क्या है, आप ये अवॉइड कर सकते थे कैसे, अगर आपने वो उस पर क्लिक किया, उसके वेबसाइट पे गए या फिर उसका वेबसाइट का जो डोमेन का नाम है वो एलेक्सा में डाला, आपको पता चलेगा कि वो वेबसाइट कितनी पुरानी है, ठीक है। साथ साथ आप दो चीज़ें और भी चेक कर सकते हैं कि उसमें ट्रैफिक कितना आ रहा है, मे बी ट्रैफिक कितना आ रहा है वेबसाइट पे, ज़्यादा हो सकता है, बट वेबसाइट कितनी पुरानी है ये सबसे बड़ी चीज़ है, वेबसाइट कितनी पुरानी है। हाँ, बहुत सारे लोग जो ऐसे हो सकते हैं जो नई नई वेबसाइट भी शुरू कर रहे हैं, प्रमोशंस कर रहे हैं, तो उसमें भी ट्रैफिक ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो एक डोमेन का स्कोर होता है, हर एक डोमेन का एक स्कोर होता है जिसके बेसिस पे एलेक्सा रैंकिंग डिसाइड होती है। तो एलेक्सा रैंकिंग बेसिकली अगर आपके 50,000 के नीचे है किसी की भी, दैट मीन्स इट्स अ डिसेंट गुड वेबसाइट, 50,000 से 1,00,000 के बीच में ट्रस्टवर्दी है, बट 1,00,000 से ऊपर है
तो आई वुड नॉट सजेस्ट दैट यू बाय फ्रॉम एनी सच साइट्स। 1 लाख के ऊपर अगर वेबसाइट की रैंकिंग है, डोंट बाय इट फ्रॉम देयर, डू प्रॉपर रिसर्च। और हाँ, लास्ट पॉइंट, अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से कहीं से भी खरीद रहे हैं, तो पहले सेलर की रैंकिंग चेक कर लीजिए कि सेलर की खुद की रैंकिंग कितनी है। वो सेलर जो प्रोडक्ट्स बेच रहा है, जहाँ से आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट के रिव्यूज़ कैसे हैं, नीचे जाके चेक करिए रिव्यूज़, कोई बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी, फेक है या क्या है। वो प्रोडक्ट की पूरी रिव्यूज़ आप समझिए, उसके बाद उसको खरीदिए, ठीक है। स्पेशली इन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में आई डोंट नो, आई मीन इफ एनीबडी बॉदर्स, बट जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उसमें स्पेशली आप रिव्यूज़ पढ़िए, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग कमेंट्स डालते हैं जो ओरिजिनल कमेंट्स होते हैं कि फेक प्रोडक्ट है, या फिर क्योंकि ब्रांड के सामने किसी का कॉम्पिटिशन नहीं होता है। अगर मेरे को कॉम्पिटिशन करना है, मेरे को कोई ग्रज निकालना है ब्रांड के बारे में, मैं तभी निकालूंगा अगर प्रोडक्ट जो मुझे उन्होंने भेजा वो गलत भेजा है, डिफेक्टिव भेजा है, या फिर फेक भेजा है, ठीक है। अदरवाइज बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ मैं कॉम्पीट नहीं कर सकता। दैट्स, तो ऐसा कोई नहीं करेगा कि कॉम्पिटिशन के चक्कर में वो नेगेटिव फीडबैक दे रहा है ब्रांड्स को, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो जेन्युइन होंगे वही आपको रिव्यूज़ देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको सेलर की रिव्यूज़, सेलर की रेटिंग्स, प्रोडक्ट की रिव्यूज़, प्रोडक्ट की रेटिंग्स पहले देखने पड़ेंगे फॉर एनी ब्रांडेड प्रोडक्ट दैट यू ट्राइंग टू बाय ऑनलाइन। ओके, सो दैट्स इट, ये 10 पॉइंट्स थे जो मुझे लगा शेयर करूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। और जो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं ऑनलाइन, टाइम नहीं होता लोगों के पास देखने का कि ये सब क्या है, बट जब प्रोडक्ट्स मिलता है उसके बाद जितना टाइम वेस्ट होता है वो ना वेस्ट हो, उसके लिए मे बी आप थोड़ा सा पहले रिसर्च करके प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। ओके, सो दैट्स इट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हम अपने चैनल में देते रहेंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी लाइफ में टू सेव मनी और टू अर्न मनी। ओके, सो थैंक यू गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।